मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चीख चीख कर लोगों को बोले। सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है किसान चाची फूड प्रोडक्ट से। पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगा हुआ है, साल में एक बार लगता है और बड़ा ही अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी को झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। सरस मेला का ये मुख्य द्वार है जिससे आपकी एंट्री होती है। गांधी मैदान के नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे है, यहाँ पे जीविका का देखिए बहुत अच्छा ऑफिस है और यहाँ पे आपको चार नदियों का संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोशी है, गंडक है, महानंदा है, गंगा है, देख सकते हैं। सनसेट हो रहा है और इस सनसेट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये संडे, आज संडे है और यहाँ पे काफी कुछ है। इसे गांधी मैदान में इतना मतलब कि व्यवस्थित ढंग से मेला लगाया गया है, देखिए इतने लोग चल रहे हैं, धूल नहीं है, इतना व्यवस्थित किया गया है सब चीज़ का। इसमें आपको जो भी यहाँ के जो लघु उद्योग चलाने वाले हैं, जो अपने अपने कलाकृतियों को प्रस्तुत करते हैं, उनका यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरा एकदम जो एरिया है ये आपको काफ़ी सुंदर लगेगा। खाना पीने का अलग है, बिहार सरस रसोई, और इधर के गंगा है, महानंदा है, गंडक है, कोशी है और यहाँ बीच में सेल्फी पॉइंट रखा हुआ है जिसमें बिहार सरस 2023 की तेईस लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल जाता है ये, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से ये किया हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ प्लास्टिक वैन है लेकिन बड़े ही शौक से प्लास्टिक के गिलास में और थर्मोकोल के प्लेट में लोग बड़े चाव से आजकल अपने खुशियों को मनाते हैं और प्रकृति को दुखी करते हैं। चाहे जो भी हो, वो प्लास्टिक का गिलास में जो नहीं यूज करना चाहिए और जो यहाँ पर सामग्री है ये सब चीज़ को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े ही आराम से यूज होता है। ये देख सकते हैं सामने कितना अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक संदेश भी है कि गीला कचरा किस में जाएगा और सूखा कचरा किस में जाएगा, वो भी संदेश आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़े ही आराम से लोग घूम घाम के आराम से, इतना साफ सुथरा है कि लोग जमीन में बैठ गए हैं और अलग दृश्य है, रेड कारपेट भी है और यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए पालना घर है सहायता केंद्र के बगल में। इधर से मीनार हॉल है, उधर अति विशिष्ट कक्ष है जो वीआईपी रूम होता है। जो है रेड कारपेट पर चलने का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग अनुभव होता है। ये देख सकते हैं गर्म कपड़े डिमांड में है और यहाँ पर देखिए लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। सामने गांधी जी का स्टैचू है। ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब से खुद से बनाया हुआ ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने। और विश्व प्रसिद्ध जो किसान चाची हैं वो भी यहाँ पे, उनका भी एक स्टॉल लगा हुआ है, ज्योति जीविका मुजफ्फरपुर बिहार, और एक किसान चाची का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर उनके उत्पादों की बिक्री हो रही है। भाई कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चीख चीख कर लोगों को बोले। सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है किसान चाची फूड प्रोडक्ट से। कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरपुर से आए सर। मुजफ्फरपुर से। एक अलग ही आपका स्टॉल है, एक अलग ही आपका स्टॉल है, देखिए आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। लाख की चूड़ी बना रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। तो ये देखिए, ये सब चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं लाख की चूड़ी कैसे बनती है, ये आपको दिख जाएगा। फॉरेनर विजिटर भी यहाँ पे आए हुए, देखे सामने घर को सजाने के लिए डेकोरेटिव जो होता है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है। बैठने के लिए बांस के ये इधर कोशी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। बैठो।
तो यही है सरस मेला 29 दिसंबर तक चलेगा, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक ये चलता है। आए नहीं है तो आ जाइए, बहुत कुछ है यहाँ पर, पूरा दिन बिता बीत जाएगा फिर भी कम पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने के साथ। इंद्रसेन का प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।